Today, in the subject of the manufacturing process, we have completed the unit 4 syllabus that is related to the cutting tool material. That is related to the cutting tool material and the cutting fluid. है ना, हम लोगों ने यूनिट 4 का जो सिलेबस था वो कंप्लीट कर लिया है, तो इसीलिए टुडे हम आपको एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा नॉलेज आपको एक थेसिस का दे रहे, एमटेक थेसिस का दे दे रहे, उसमें एप्लीकेशन ऑफ नैनो फ्लूइड लुब्रिकेशन ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑफ द एयर इंजन ग्रेड स्टेनलेस स्टील, ये आपको एक स्टूडेंट ने किया हुआ है, कैसे जो है नैनो फ्लूइड एप्लीकेशन लुब्रिकेशन का मशीनिंग आपको स्टेनलेस स्टील में, आपको एक थेसिस के बारे में आपको ये आपको आज टुडे हम लोग जो है डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप लोग को भी एक थेसिस आपको करना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट बीटेक में अगर एक रिसर्च पेपर आप लिख लेते हैं, एक दो रिसर्च पेपर आप लिख लेते हैं, तो आपका यूके यूनिवर्सिटी में, यूरोपियन यूनिवर्सिटी में, यूएस यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन एमएस प्रोग्राम में आसानी से हो जाता है। तो आप लिंक कीजिए, आपको जरूरत है हमारे साथ में लिंक कीजिए, आप रिसर्च पेपर बनाइए और अपना कैरियर जो है आप जो है बेटर कीजिए। तो हम जो है आज एक थेसिस के बारे में आपको डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसमें प्रॉपर्टी ऑफ द कटिंग फ्लूइड हम लोगों ने पढ़ा और देखा, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द कटिंग फ्लूइड। कटिंग फ्लूइड आल्सो नोन एज द लुब्रिकेंट एंड द कूलेंट, ये लुब्रिकेंट भी जाना जाता है और कूलेंट भी जाना जाता है। ये बहुत द पर्पस को सॉल्व करता है, लेजे लुब्रिकेंट भी काम करता है, कूलेंट भी काम करता है, है ना। इट सर्व्स द कूलिंग इफेक्ट टू मिनिमाइज द नेगेटिव थर्मल इफेक्ट, ये जो नेगेटिव थर्मल इफेक्ट ड्यूरिंग द मशीनिंग टेम्परेचर राइज होता है उसको मिनिमाइज करता है। एंड लुब्रिकेटिंग इफेक्ट ऑल्सो टू प्रोवाइड द बेटर सर्फेस फिनिश, ये आपको बेटर सर्फेस फिनिश को ऑब्टेन करने में आपको हेल्प करता है ना। कटिंग फ्लूइड्स यूज एक्सटेंसिवली इन द मशीनिंग ऑपरेशन टू कूल द कटिंग जोन, कटिंग जोन को कूल करने के लिए आपको यूज किया जाता है। रिड्यूस द वर्कपीस टेम्परेचर एंड डिस्टॉर्शन एंड इंप्रूवमेंट इन द टूल लाइफ, जो वर्कपीस का टेम्परेचर है उसको घटाने के लिए, डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए और टूल लाइफ को इंप्रूव करने के लिए कटिंग फ्लूइड्स का आपको यूज किया जाता है। रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड द वियर, आपको फ्रिक्शन एंड वियर को रिड्यूस करने के लिए आपको यूज किया जाता है। हैंस इंप्रूविंग द टूल लाइफ एंड द सरफेस फिनिश, टूल लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, सरफेस फिनिश को इंप्रूव करने के लिए आपको इसका यूज किया जाता है। रिड्यूस द फोर्सेस एंड द एनर्जी कंजम्पशन, फोर्स को रिड्यूस करने के लिए, लेस पावर, जो मोटर का जो पावर है ना वो लेस लगे, एनर्जी भी सेव हो, जो एनर्जी का यूनिट है वो भी आपको कटिंग फ्लूइड से सेव हो जाता है, एनर्जी कंज्यूम हो जाता है, उसके लिए आपको कटिंग फ्लूइड आपको यूज किया जाता है। वॉश अवे द चिप्स, चिप्स जो बनते हैं मशीनिंग के वक्त में, आपने लेथ पे काम किया होगा उसमें देखा होगा कि चिप्स बनते हैं, उस चिप्स को कैसे हटाया जाए, ये कटिंग फ्लूइड ही आपको हटाएगा। दिस इज द ओनली वे टू रिमूव द चिप्स फ्रॉम द कटिंग एरिया, है ना। दूसरा है प्रोटेक्ट द न्यूली मशीन सरफेस फ्रॉम द एनवायरमेंटल अटैक,
ड्यूरिंग द मशीनिंग प्रोसेस होता क्या है, टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है, वर्कपीस का टेम्परेचर, टूल का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। तो एनवायरमेंटल अटैक को रोकने के लिए, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, कोरोजन को रोकने के लिए आपको कटिंग फ्लूड का आपको यूज किया जाता है। मशीन सरफेस नया है, आप मशीन किए और उस पर ऑक्सीडेशन हो गया हायर टेम्परेचर पे, तो उसको रोकने के लिए आपको कटिंग फ्लूड का आपको यूज किया जा रहा है ना। तो ये आपको द फॉलोइंग आर द एसेंशियल प्रॉपर्टी विच कटिंग फ्लूड मस्ट पोसेस इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिजायर्ड फंक्शन। जो कटिंग फ्लूड का ये आपको प्रॉपर्टी है, ए गुड कटिंग फ्लूड इज डिफाइंड विथ इट्स लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड द हाई थर्मल कंडक्टिविटी। कटिंग फ्लूड में हाई लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होना चाहिए, दूसरा हाई थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए, वो हीट को तुरंत जो है डिसिपेट कर दे, ये प्रॉपर्टी उसमें होना चाहिए। सभी सभी लिक्विड को हम लोग कटिंग फ्लूड के तरह यूज नहीं कर सकते, उसमें आपको ये प्रॉपर्टी आपको कटिंग फ्लूड में होना चाहिए, वही आपको कटिंग फ्लूड में आपको यूज हो सकता है। इट शुड हैव लो विस्कोसिटी, उसकी लो विस्कोसिटी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू इजीली एंटर थ्रू द स्मॉल गैप्स। स्मॉल गैप्स में एंटर करने के लिए आपको लो विस्कोसिटी आपको होना चाहिए, है ना। इट शुड बी नॉन कोरोजिव, ये कोरोजन आपको नहीं करना चाहिए। ये जो कटिंग फ्लूड जो आप यूज करेंगे ना, केमिकल्स यूज करेंगे ना, वो आपको मेटल के साथ में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। जो मेटल है, टूल है, उसके साथ में आपको आपको रिएक्शन जो है उसको आपको नहीं करना चाहिए। तो ये उसकी प्रॉपर्टी होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। कल भी हमने बात कर रहे थे कि हम लोग हेल्थ हैजार्ड्स होता है, फ्यूम्स प्रोड्यूस होता है, तो दैट विल हार्मफुल, हेंस द इट विल बी मस्ट बी द नॉन टॉक्सिक। जो नॉन टॉक्सिक गैसेस हैं वो उसमें आपको नहीं बनना चाहिए ड्यूरिंग द यूज ऑफ द कटिंग फ्लूड, है ना। एंड शुड नॉट रिएक्ट विद द वर्कपीस एंड द टूल मटेरियल। जो कटिंग फ्लूड होगा उसको वर्कपीस के साथ में आपको रिएक्ट नहीं होना चाहिए, टूल मटेरियल के साथ में आपको रिएक्ट नहीं होना चाहिए। ये आपको प्रॉपर्टी, आपको एसेंशियल प्रॉपर्टी है आपको कटिंग फ्लूड के लिए। इट शुड बी इजीली ईच पर एबिलिटी एंड शुड नॉट बी मच एक्सपेंसिव। कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, कॉस्ट बढ़ेगा तो आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, आपका प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स आपका गड़बड़ा जाएगा। तो आपको लो कॉस्ट का भी होना चाहिए कटिंग फ्लूड। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स को मेंटेन करना पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और बड़ी बड़ी कंपनियां फोर्ड ये सारा प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स को मेंटेन करके ही वर्ल्ड में कैप्चर किया हुआ है। टोयोटा जापान की जितनी कंपनियां हैं वो आपको प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स से ही आपको वर्ल्ड को कंट्रोल किया हुआ है। इट शुड बी हाई फ्लैश पॉइंट टू मेंटेन इट्स प्रॉपर्टी। इसको फ्लैश पॉइंट ज्यादा होना चाहिए कि तुरंत फ्यूम नहीं फॉर्म करे, टेम्परेचर उसका जो आपका वेपोराइजेशन टेम्परेचर है वो आपको ज्यादा होना चाहिए। इट शुड बी केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल। आपको केमिकली स्टेबल होना चाहिए, फिजिकली स्टेबल होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको कटिंग फ्लूड में आपको होना चाहिए, है ना। तो कटिंग फ्लूड का ये सारी प्रॉपर्टी आपको होना चाहिए। टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूड कल भी हमने डिस्कस किया हुआ था और उसी को रिपीट कर रहे, कटिंग फ्लूड्स आपको ये आपको कैटेगरी है, वाटर मिसेबल कटिंग फ्लूड, मिनरल ऑयल बेस्ड कटिंग फ्लूड, है ना। एक तो वाटर बेस्ड है, दूसरा मिनरल बेस्ड है, एंड क्रायोजेनिक कटिंग फ्लूड। ये तीन तरह का कटिंग फ्लूड है जो आपको यहां पर आपको डिस्कस किया जा रहा है। पहला है वाटर मिसेबल कटिंग फ्लूड। इन वाटर मिसेबल कटिंग फ्लूड वाटर स्टैंड्स एज ए मेन बेस फ्लूड। वाटर इज वेल नोन फॉर इट्स एक्सेलेंट कूलिंग प्रॉपर्टी।
Thus, water miscible cutting fluids have good heat absorbing capacity. इसकी जो absorbing capacity है वो आपको ज्यादा होती है. Water miscible cutting fluids are a mixture of the water soluble oil and the water. Generally, soap like substance emulsifier used as a water soluble oil. And a soap like substance ko use karte hain when it get mixed with water in a small quantity like kind of the fruit produces we used to supply in the cutting zone area. Ye aapko water based cutting fluid aapko use kiya jata hai. Dusra hai mineral oil based cutting fluid. These oils are the mixture of the several minerals or the vegetable oils. Vegetable oils ka mixture hai with no concentration of the water. Isme jyada jo hai aapko water isme kam percentage rakha jata hai, isiliye mineral base jyada hota hai. Such additive compound such as a phosphorus, sulfur, chlorine based can be added to base fluid in order to enhance their cooling and the lubricating property. है ना, ये आपको मिनरल बेस्ड कटिंग फ्लूड आपको होता है. दूसरा क्रायोजेनिक कटिंग फ्लूड. क्रायोजेनिक्स इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ द मटेरियल एट द वेरी लो टेम्परेचर. दिस इज नोन एज द क्रायोजेनिक्स. क्रायोजेनिक इंजन का आपने नाम सुना होगा. ये आपको रेसेंट टेक्नोलॉजी है क्रायोजेनिक कटिंग फ्लूड. मोस्ट लिक्विड नाइट्रोजन is used as a cryogenic material. The use of the liquid nitrogen as a cryogenic coolant in the metal cutting has received recent attention because of the liquid nitrogen is the safe. Liquid nitrogen ko aapko cryogenic coolant ke roop mein aapko use kiya jata hai. It is the safe, it is the clean, it is the colorless, it is the non-toxic coolant. Ye aapko non-toxic coolant hai. And can significantly improve the tool life. वो आपको tool life को आपको improve करता है. It constitute about the 4/5 of the atmospheric gases. Its boiling point आपको इतना है, melting point आपको इतना है. During machining, the cryogenic coolant is supplied to the machining area. The coolant takes heat by convection and drops down the maximum temperature, which is thus contributing in the tool life enhancement. टूल लाइफ जो है आपको काफी बढ़ जाता है ना. कूलिंग जो किया जाता है आपको कन्वेंशनल फ्लूइड कूलिंग, ये टेक्निक आपको यूज किया जाता है. कन्वेंशनल फ्लूइड कूलिंग इज ए ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ द कूलिंग एंड लुब्रिकेशन ऑफ द कटिंग जोन. Under normal normal fluid cooling, flow rate typically ranges from this to the single point to this per cutting of the multiple tooth cutter such as a milling. In operation such as a drilling and milling, fluid pressure in the range of the chips. Despite all of these benefits, these are negative impacts of the cutting fluid such as a disposal of the cutting fluid. Disposal of the cutting fluid आप कैसे करेंगे वो आपको नेगेटिव इंपैक्ट है. कॉस्ट ऑफ द कटिंग फ्लूड इज द वन ऑफ द ऑल्सो फैक्टर दैट यू हैव टू बी कंसिडर. स्प्रेडिंग ऑफ द कटिंग फ्लूड अराउंड द मशीन, दिस इज द वन ऑफ द ऑल्सो इफेक्ट ऑफ द यूजिंग ऑफ द कटिंग फ्लूड. हार्मफुल रेसिडुअल इज द वन ऑफ द इफेक्ट फॉर कंसिडरिंग द कटिंग फ्लूड. डिस्पोजल ऑफ द वेट चिप्स एंड द लेस विजिबिलिटी इज द दीज आर द फैक्टर्स which has to be considered during the using of the cutting fluid. Hai na, ye aapko cutting fluid ke bare mein aapko yahan par aapko bataya ja raha tha. Dusra, minimum quantity lubrication. Minimum quantity lubrication
is the one of the most preferable technique nowadays as a cutting fluid purpose due to its capability of the giving the fluid results with only small consumption of the power and the cutting fluid. In this technique of the cooling, lubrication of a typical flow rate of the cutting fluid is ranged from this one directly to the cutting zone. Unlike normal flood cooling, this technique is free from the fluid dispersal problem as it takes from the very small quantity of the machining. Since this technique is significantly lesser amount of the cutting fluid, this technique is also known as the near dry machining and the micro lubrication or the sputter lubrication. है ना? Minimum you आपको use करना है, minimum cutting fluid आपको use करना है, वो कल भी हम बात कर रहे थे, है ना? This technique concerns with the application of the air soak. Mixture of the highly compressed air with the typical pressure 4-6 bar and the cutting plate. इसको aerosol बोलते हैं, जिसमें compressed air को आपको use किया जाता है. It supplies through a specifically designed nozzle with the hole diameter of the range. है ना? इसमें small droplets of the air soul directly come in contact with the cutting zone. Small droplets of the air soul वो आपको आपको कटिंग जोन में आपको यूज किया जाता है. Evaporation involves the extracting of the latent heat from the machining area. Thus, this method concerns with the evaporative heat transfer. ये evaporative heat transfer में आपको यूज किया जाता है. Advantage of the minimum quantity lubrication. Minimum quantity lubrication technique has several advantage over the conventional fluid cooling, which can be summarized as follow. It consumes relatively very less amount of the cutting fluid, thereby making the process almost clean and dry. As per small amount of the cutting fluid, less vaporization takes place. Vaporization इसमें आपको नहीं होता है, which is more environment friendly and the less harmful for the operating worker. As per the health concerned. कटिंग फ्लूड से हार्मफुल गैसेस बनते हैं तो लगातार वर्कर वहां पर कैसे काम करेगा. इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन. तो आपको ये आपको मिनिमम क्वांटिटी लुब्रिकेशन ही जो बेहतर मेथड है. एज द प्रोसेस इन्वॉल्व हाई प्रेशर ऑफ द एयर, इट हेल्प्स a small droplet of the air salt to reach directly over the cutting zone. High pressure of the air jab use karte hain to wo sabhi area mein cutting zone mein aapko chala jata hai. Aap boliye. Boliye kya bolna cha rahe hain. As the process involves the high pressure of the air, high pressure of the air use करता है, तो cutting zone का हर एक area में आपको चला जाता है. The mixture of the highly pressured air and cutting fluid easily process the forming chip effectively. They are making the chip handling task much easier. है ना? आपको जो chips बनते हैं, जितने चिप्स का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द मशीनिंग, उसको जो है हाईली प्रेशराइज्ड एयर उसको हटा देता है. है ना? द मशीनिंग प्रोसेस विच कंसर्न्ड विद द एमक्यूएल इज द मोर प्रोडक्टिव विद द इंक्रीज टूल लाइफ एंड बेटर सरफेस फिनिश टू प्रोड्यूस. आपको एमक्यूएल जो है आपको टूल लाइफ को बढ़ाने में मदद देता है और वर्कपीस का बेटर सरफेस फिनिश को अचीव करने में आपको मदद करता है. है ना? तो उसमें आपको जो है आपको मदद करता है. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द मिनिमम क्वांटिटी लुब्रिकेशन. Minimum quantity lubrication fulfills the desire of almost all of the machining process where the cooling and lubrication is must.
the machining process in which the MQL has the wide application or the turning, grinding, drilling and milling. Sabhi process mein aap isko use kiya ja sakta hai. Hai na? Is thesis mein nano lubrication ki baat ki gayi thi. Nano lubrication की बात की गई थी ऑन अकाउंट ऑफ द इमर्जिंग नैनो टेक्नोलॉजी द कंसेप्ट ऑफ द नैनो फ्लूइड लुब्रिकेशन हैज बीन डेवलप्ड. नैनो लुब्रिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कूलिंग एंड लुब्रिकेशन ऑफ द कटिंग जोन ड्यूरिंग एनी मशीनिंग प्रोसेस बाय इन्वॉल्विंग नैनो फ्लूइड इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल कटिंग फ्लूइड. इस थेसिस में जो स्टूडेंट ने काम किया है वो नैनो फ्लूइड पे काम किया है. नैनो टेक्नोलॉजी में आपको नैनो फ्लूइड पे आपको काम किया हुआ है. तो ये जो नैनो फ्लूइड है नैनो फ्लूइड्स क्या है इसके बारे में आपको यहां पे जानकारी आपको दिया जा रहा है. इन ऑर्डर टू इनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ द एमक्यूएल एंड द फ्लड कूलिंग नैनो फ्लूइड्स हैव बीन डेवलप्ड. नैनो फ्लूइड्स आर इंजीनियर क्लाइडेड सस्पेंशन ऑफ द नैनो पार्टिकल्स इन द बेस फ्लूइड्स. है ना, ये क्लाइडेड सस्पेंशन है जिसका साइज 10 to 100 नैनोमीटर. इसका आपको नैनो फ्लूइड का आपको साइज है. एज एमक्यूएल इज ऑलरेडी नॉन फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ओवर द कन्वेंशनल फ्लूइड कूलिंग एमक्यूएल इज द बेस्ट ऑप्शन एज द फ्लूइड. नैनो पार्टिकल्स है ना, नैनो पार्टिकल्स का उसमें आपको It has been found that the very low particle concentration nano fluids have a much higher and the strongly temperature dependent thermal conductivity which is considered to be a key parameter of the enhanced performance of the most application. Aapko nano particles aur zyada aapko helpful hai. Nano particles supply along the base fluid it comes with the ball bearing effect. Because of its the nano range of the size, इसका nano range of the size होता है, इसीलिए आपको आपको ball bearing का effect लाता है, आपको lubrication आपको better provide करता है. Due to its high thermal conductivity nature, extraction of the heat comes easier. है ना, less tool wear years, less tool wear होता है, आपको due to the cohesion effect. Nano particle use करने के बाद better surface finish आपको मिलता है. है ना, नैनो फ्लूइड्स प्रूव्ड इटसेल्फ बेस्ट ऑप्शन फॉर द मशीनिंग प्रोसेस एट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड स्मॉलर साइज पार्टिकल व्हेन इट कम्स इन द रेंज ऑफ द नैनोमीटर देयरफॉर स्पेसिफाइंग डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नैनो पार्टिकल्स कैन बी यूज्ड टू इन ऑर्डर टू अचीव द मोस्ट कूलिंग एंड द लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी. सम ऑफ द नैनो पार्टिकल्स ये आपको यहां पर आपको दिया हुआ है. मोनोब्यूटिलम डाइसल्फाइड नैनो पार्टिकल, एल्युमिनियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल, सिल्वर नैनो पार्टिकल, ग्रेफाइट नैनो पार्टिकल, कार्बन नैनो ट्यूब्स, ये सारे आपको नैनो पार्टिकल्स है जो आपको बेस्ट कूलिंग एंड लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी देता है. उस पर यह थेसिस में आपको काम किया गया है ना. तो यहां पर आपको लिटरेचर रिव्यू दिखाया गया है. तो आज मैं लिटरेचर रिव्यू दिखाया गया है, इसमें इफेक्ट ऑफ द नैनो लुब्रिकेशन ऑन द डिफरेंट मशीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको किया गया है. आप भी इसी तरह का थेसिस आप रेडी कर सकते हैं, वर्कशॉप में काम कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द कटिंग फ्लूइड को यूज कर सकते हैं और एक रिसर्च पेपर बना सकते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पास अगर बीटेक के बाद आपके पास रिसर्च पेपर है तो यूएस यूनिवर्सिटी में, यूके यूनिवर्सिटी में, यूरोपियन यूनिवर्सिटी में आसानी से एमएस में आपको सिलेक्शन हो जाता है. तो इसमें आपको पूरा डिटेल से हम डिस्कस नहीं करेंगे. इफेक्ट ऑन द कटिंग फोर्सेस क्या आपको यहां पर आपको दिखाया गया, इस पर लिटरेचर रिव्यू किया गया है. आपको डिटेल से हम इसका एक्सपेरिमेंट का आपको फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं. कटिंग फोर्सेस पे क्या रिजल्ट हो रहा है, सरफेस रफनेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन लोगों ने स्टडी किया है सरफेस रफनेस पे क्या इफेक्ट हो रहा है. उसी तरह आप भी स्टडी कर सकते हैं. इफेक्ट ऑन द कटिंग टेम्परेचर, कटिंग टेम्परेचर पे
क्या इफेक्ट हो रहा है, इन लोगों ने स्टडी किया है इफेक्ट ऑन द टूल वियर, टूल वियर में क्या इफेक्ट हो सकता है। आप भी इस पे स्टडी कर सकते हैं कि कौन सा कटिंग फ्लूड यूज किया जाए और क्या उसका टूल वियर पे इफेक्ट होगा। वो यहां पर स्टडी किया हुआ है बहुत सा ऑथर ने। इफेक्टिवनेस ऑफ द नोनो फ्लूड लुब्रिकेशन ऑफ अ ड्राई कन्वेंशनल एंड एमक्यूएल टेक्निक, यहां पर ये इस पे आपको स्टडी किया हुआ है। ये सारे लिटरेचर रिव्यू आपके ऑथर के आपको दिखाए गए हैं, है ना। इस स्टडी में द इन्फ्लुएंस ऑफ द Al2O3 बेस्ड नैनोपार्टिकल ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 74 स्टेनलेस स्टील एंड एरो इंजीनियरिंग एलॉय में किया गया है। इस थेसिस में जो काम किया गया है वो आपको इन्फ्लुएंस ऑफ द Al2O3 बेस्ड नैनोपार्टिकल को लिया गया है और इस मटेरियल पे काम किया गया है और कटिंग फोर्सेस पे उसका क्या इफेक्ट होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे क्या इफेक्ट होता है, कटिंग टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है, टूल वियर पे क्या इफेक्ट होता है और चिप रिडक्शन कोफिशिएंट पे क्या इफेक्ट होता है, इस पे स्टडी किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया है इन्फ्लुएंस की आपको इसमें आपको किया गया है ना। डिफरेंट मशीनिंग पैरामीटर, कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ कर को आपको वेरी किया गया है ना। देयरफॉर द करंट स्टडी हैज बीन डिजाइन अंडरटेकन द फॉलोइंग मेजर ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको है ना, टू कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ द नैनो फ्लूड लुब्रिकेशन विद दैट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द कन्वेंशनल फ्लूड कूलिंग एज विद द एमक्यूएल विदाउट एडिटिव्स, है ना। सरफेस रफनेस पे क्या फर्क पड़ता है, चिप मोर्फोलॉजी पे क्या फर्क पड़ता है, ये सारे पे आपको नैनो पार्टिकल को यूज करके आपको स्टडी किया गया है, वही मैं आपको बता रहा हूं, है ना। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, एक्सपेरिमेंटल जो आपको सेटअप किया गया है आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ना। जो इनिशियल डायमीटर ऑफ द वर्कपीस ये आपको यहां पे दिया गया है। ऑल मशीनिंग परफॉर्मेंस कंडक्टेड ऑन द हैवी ड्यूटी लेथ मशीन, हैवी ड्यूटी लेथ मशीन में आपको किया गया है। एरोसोल सप्लाई लाइन आपको यहां पे यूज किया गया है, एरोसोल सप्लाई लाइन आपको यूज किया गया है। एमक्यूएल सेटअप यहां पे किया गया है, डाटा एक्विजिशन सिस्टम यहां पे रखा गया है, थर्मोकपल वायर वो रखा गया है, डायनामोटो डिस्प्ले यूनिट ये आपको रखा गया है, ये आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप, डायनामोटर सेटअप ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। इसी तरह सिमिलर एक्सपेरिमेंट आप सेटअप कर सकते हैं, ये कॉलेज में भी नहीं है अभी तो, ये इस तरह का आप सेटअप कर सकते हैं, होल एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसमें मेरा कोई सा क्लास आएगा? हाँ बताइए। इंग्लिश ये एक्सपेरिमेंट सर ऐसे सर हेलो सर हाँ सर ऐसे ही लाइन बाय लाइन चलना है सर। नहीं क्या कहना चाह रहे हैं लाइन बाय लाइन मतलब? हाँ सर वो मतलब जैसे आप बता रहे हो ना ऐसे मतलब रीड करके कुछ 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 ऐसे करके तो ऐसे में समझ नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी। फिर मैं आगे बढ़ना छोड़ देता हूँ, फिर मैं बैठ जाता हूँ। आज मैं डिस्कस किया हूँ, बताइए कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया, मैं वहां पर आपको जाता हूँ क्योंकि मैंने आपको सर पहले भी बताया था सर, ये लाइन बाय लाइन बिल्कुल आप चलो ही मत, आप अपनी जो है सारी चीजें आप हमसे शेयर करो, वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मैं ये बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहा हूँ ये लाइन बाय लाइन चलने का क्या मतलब है सर। वो तो किताब आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपको आपको प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग फ्लूड आपको यहाँ पे बताया गया, ये कटिंग फ्लूड की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आपको क्या समझ में नहीं आ रहा आप उसको क्लियर कीजिए, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द कटिंग फ्लूड।
ये जो प्रॉपर्टी ऑफ द कटिंग फ्लूड है ये आपको पढ़ना है। आज तो मैं आपको एक नया जो है एमटेक का थेसिस मैं लेके आया हूँ कि भाई आपका सिलेबस कल खत्म हो गया, आपको इसमें कहाँ समझ में नहीं आया, कौन सी प्रॉपर्टी आपको समझ में नहीं आई कटिंग फ्रूट की, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें आपको मैच नहीं कर रहा है, आप बताइए कहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी आपको मैच नहीं कर रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कटिंग फ्रूट का मेरे जो कुछ समझ में ही नहीं आया सर, मैं मुझे कुछ कुछ समझ में ही नहीं आया बिल्कुल भी। तो कहाँ समझ में नहीं आया, वही तो मैं कह रहा हूं, मैं तो बैक पीछे आ गया आपको प्रॉपर्टी ये जो जो कटिंग फ्लूड आपको आपके पास जो आपको टीचिंग मटेरियल दिया गया है वो आपके पास है नितेश मिश्रा जी? बिल्कुल सर, हाँ हाँ है सर, बिल्कुल है हाँ, सर, तो लेकिन वो मैं आपको उसके लाइफ लाइन हिसाब है से आप सर एक सेकंड अपनी सर इस पे बुक्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, आपको वो लाइफ लाइन दिया गया है, आप उसको पढ़िए, जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी आपको क्लियर नहीं है, ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि ये वाश सेव द चिप्स, चिप्स को आपको हटाता है, जो कटिंग जोन है कटिंग जोन से चिप्स को आपको हटाता है, बिल्कुल तो चिप्स को हटाने में कटिंग फ्लूड का आपको यूज किया जाता है। और सर कटिंग फ्लूइड में कौन कौन से कौन सा मिक्सचर होता है, क्या चीज होता है वो जो वो कूलेंट के रूप में जो हम लेते हैं उसमें हाँ होता क्या है, वो क्यों कूल करता है, कैसे कूल करता है वो, उसकी प्रॉपर्टी सर बताइए वो कैसे कूल कर कूलेंट है लेता है ना, वो कूलेंट है, लुब्रिकेंट है, वाटर जो है आपको कहीं पे गर्म चीज जो मशीन एरिया जो आपने अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है जो मशीनिंग एरिया है वहां पे आपको टेम्परेचर बढ़ जाता है, रबिंग होता है कटिंग टूल का और सर्फिस ये का। तो मैं समझ रहा हूँ सर, जो वहां पे फ्रिक्शन बढ़ जाता है उससे आप हीट जब मतलब लेथ में, जनरेट होता है। आपने कभी काम किया है? मैंने सर वो सब सारे मशीन पे काम किया है, भले ही कॉलेज में नहीं किया हो बट हाँ मैंने किया है इधर दूसरे जगह कहाँ पे काम किया है? फरीदाबाद में ही सर, लेथ पे, सरफेस पे, मिलिंग पे, इंडस्ट्री में तो काम किए हुए मैं हैं? जी बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम आपने किया हुआ है, तो देखिए सर जब आप मुझे काम सर करते देखिए होंगे सर तो मैं आपको हाँ आइडिया सर होगा कि वर्क एक किस मिनट तरह सर मैं होता एक मिनट सर है। हाँ सर मैं वही बताना चाह रहा हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल सारा चीज जानता ही हूँ, मैंने जो हाँ देखे देखा ही है, हाँ बट हाँ उसका थ्योरेटिकल मुझे पूरा चाहिए। जैसे आपने बोला ना कूलेंट होता है, वो तो मैं भी जानता हूँ, व्हाइट कलर वो होता है जब हम उसमें लेथ पे भी काम करते हैं तो वो डालते रहते हैं जिससे वो हीट को रिड्यूस करता है, बट उसमें किस चीज का मिक्सचर होता है, कैसे वो रिड्यूस, कौन से प्रॉपर्टी के हिसाब से वो हीट को रिड्यूस कर लेता है, वो सारी चीजें मुझे जाननी है ना सर। नहीं, वाटर को आप जब डालेंगे तो वाटर तो हीट को रिड्यूस करेगा ना हाँ भाई, हीट को तो तो रिड्यूस वो करेगा। वाटर ही होता है, तो उस जगह पे हम कूलेंट जो यूज करते हैं हाँ उसके अलावा तो हम वाटर भी यूज कर सकते हैं, फिर उसमें पैसे फंसाने की क्या आवश्यकता है, वाटर क्यों बेस्ड, फैक्ट्री में वो। वाटर बेस्ड इमल्शन है ना, वाटर ज्यादा रहेगा, और दूसरा जो अमाउंट था आपको मैं यहाँ पे बताया नहीं, क्लोरीन रहता है, फास्फोरस तो सल्फर वो क्यों क्लोरीन रहता है सर, बेस्ड। वही तो पूछ रहा हूँ मैं सर, वो क्यों रहता है, वाटर से भी वाटर का भी तो यूज हम कूलेंट के रूप में कर सकते हैं ना सर, वाटर भी देंगे तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, बट उसका मिक्सचर क्यों यूज करते हैं हम, उसपे पैसे क्यों फंसाया जाता है फैक्ट्रियों में क्योंकि वाटर जो है, उसका। वाटर आप आपका क्वेश्चन सही है कि हम क्यों यूज कर रहे, तो कारण मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना करेक्टरिस्टिक्स, ये दिखाया था ना आपको एसेंशियल प्रॉपर्टी, आपको हाई हीट कैपेसिटी होना चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए, लो विस्कोसिटी होना चाहिए, वो वाटर में नहीं है, बात को समझिए, ये आपको जो प्रॉपर्टी मैंने दिखाया उस प्रॉपर्टी को ऑप्टिमम अचीव करने के लिए हम लोग दूसरे चीज को मिलाते हैं, क्लोरीन को मिलाते हैं, एक एक लिक्विड में आपको ये सारी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाई थी ना आपको यहां पर है जी ना, बिल्कुल तो ये सारी जो प्रॉपर्टी आपको दिखाई है एक किसी किसी लिक्विड में नहीं हो सकता, क्लोरीन में नहीं हो सकता, फास्फोरस में नहीं हो सकता, तो ये सारे प्रॉपर्टी को अचीव करने के लिए ये डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, इसीलिए मैंने आपको आज दोबारा जो है कल भी बताया हुआ था, दोबारा मैंने लिया हुआ है कि ये जो प्रॉपर्टी को अचीव करना है ऑप्टिमम करना है, केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल है ना, नॉन कोरोजिव, वाटर जो है कोरोजन प्रोड्यूस करेगा, वाटर जो है आपका कोरोजन प्रोड्यूस करेगा, वाटर जो हायर टेम्परेचर पे लगेगा ना तो वो कोरोजन प्रोड्यूस करेगा,
है ना। तो और ये सर सर ये नॉन कोरोजिव प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए वाटर वाटर जो है आपको वहां पर जो है आपको मिक्सिंग करके आपको ये जनरेट करेगा। वाटर में कोरोजन प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होता है वाटर। ये सर टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड जो है सर, टाइप्स ऑफ सर नीचे जरा कीजिएगा सर। हाँ हाँ बोलिए। टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड जो है हमारा, तो सर मतलब इस तीनों का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं और क्यों करते हैं सर? जैसे वाटर मिसेबल कटिंग फ्लूइड है तो हम इसका ये इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया गया है? कुछ तो इसकी वजह होगी ना सर, नहीं तो एक यदि हम हर जगह यूज कर लेते तो एक ही बनता, एक ही का यूज करते हम, उसको तीन मतलब अलग अलग पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया जाए? उसका यूज भी अलग अलग होगा, कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा, इसीलिए इसको अब बाय पार्ट्स किया गया है। देखिए वाटर मिसिबल कटिंग फ्रूट्स में वाटर का अमाउंट ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो इसका यूज हम कहां करेंगे सर? यूज आपके सारे मशीनिंग प्रोसेस में होगा, सारे जो जितने भी मशीनिंग प्रोसेस हैं सभी में आपको जो है आपको आपको यूज होगा, मिलिंग में, टर्निंग में, स्टेपर में, ये आपको सारे मशीनिंग प्रॉपर्टी में, पहले मेरी बात सुनिए, सभी में आपका कटिंग टूल है और वर्कपीस है, एरिया कॉमन है, जो आपका टारगेट है कॉमन है कि टूल है और वर्कपीस है, दोनों रब हो रहा है, आपको पर्पस सेम है, तो ये सारे कटिंग फ्लूड सभी मशीनिंग प्रोसेस में आपको यूज होगा। जहां भी मशीनिंग हो रही है ऐसा नहीं है कि ये लेथ में यूज होगा, ये सेपर में यूज होगा, ये मिलिंग मशीन में यूज होगा, ऐसा नहीं है। सेपर में भी आपका कटिंग टूल है और वर्कपीस है, मिलिंग कटर में भी मिलिंग कटर है और वर्कपीस है ना, वहां पे टूल आपको कटिंग करता है, कटिंग जोन का कल मैंने आपको फिगर दिखाया था, सारे मशीन का जो दिखाया हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि ये कटिंग फ्लूड, ये सारे प्रॉपर्टी का अलग अलग है। जब आप उसमें मिक्सचर ज्यादा अलग अलग डालेंगे तो उसमें आपको अलग प्रॉपर्टी वेरी करेगा, बात है नहीं समझ में? पर्पस सभी का वही है, जो पर्पस मैंने आपको यहां पे दिखाया था, ये आपको वाटर में आपको वाटर ज्यादा होगा और दूसरा आपको क्लोरीन कम होगा, मिनरल ऑयल में मिनरल ऑयल ज्यादा होगा, वाटर की परसेंटेज कम होगी, बात आपको समझ में आई? क्रायोजेनिक में आपको आपको वो कह रहा है कि लो टेम्परेचर पे काम करने का जो क्रायोजेनिक फ्लूड है वो आपको यूज किया जाएगा, मोस्ट लिक्विड उसमें नाइट्रोजन यूज किया जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन आपको कॉस्टली होता है, वो इंडिया में यूज नहीं होता है, आपको वाटर वाला जो है वही यूज होता है, मिनरल ऑयल बेस भी आपको यहां पर नहीं मिलेगा, मिनरल भी आपको बोलेगा कि वाटर डाल दो, वाटर डाल दो, वाटर का ही आपको इंडिया में यूज होता है, दूसरा आपको आपको यूरोपियन कंट्रीज में ही यूज होता है। क्रायोजेनिक वगैरह का फायदा है, लेकिन वो आपको यहाँ पे आप जिस इंडस्ट्री में काम किए होंगे वो वाटर वाटर बेस्ड होगा, उसमें हल्का वो क्लोरीन फ्लोरीन वो डाल दिया होगा और वो वाटर ही मेनली यूज करते हैं वो, उसके हार्म में भी है कि वो ऑक्सीडेशन ज्यादा करता है, लेकिन इंडियन इंडस्ट्री के पास सोल्यूशन नहीं है, कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी, कॉस्ट का जो है ना वो उसमें आपको प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में मैंने बताया भी कि जो है कॉस्ट जो है आपको कटिंग फ्लूड को काउंट करने के लिए वो जरूरी है, तो आपने जिस इंडस्ट्री में काम किया होगा वो आपने वाटर बेस देखा होगा, वाटर बेस जो आपको कटिंग फ्लूड है वही देखा होगा। इंडिया की सारी कंपनियां जो स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्री है, यहाँ कोई अच्छा आपको फोर्ड नहीं है, टोयोटा नहीं है इंडिया में, तो सभी जगह वाटर वाला ही आपने देखा होगा, वाटर का ही आपको यूज होता है, यही आपको देखा होगा, यही आपको फर्क ये है कि इसमें वाटर का ज्यादा रहता है, इसमें आपको मिनरल ज्यादा रहता है ना, ये इसीलिए डिवीजन किया गया है। कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया ऑफ द एप्लीकेशन है कि टूल है, टूल आपको काम करेगा तो कोई भी कटिंग फ्लूड यूज कर सकते हैं, आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, हम क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, तो कॉमन एरिया है, हर एक मशीनिंग में आप चाहे आप बोरिंग मशीन में चले जाइए, चाहे शेपिंग मशीन में चले जाइए, कहीं चले जाइए,
आपको जो है वही चीज है, मिलिंग कटर है, ड्रिलिंग हो रहा है, तो कॉमन पर्पस है, आपको एक टूल है, एक वर्कपीस है, वो आपको मशीनिंग कर रहा है, और वहां पे हीट हो रहा है, एरिया हीट हो रहा है, वहां पे कूलिंग के लिए आपको ये चीजें, आपको कटिंग फ्लूइड डालते हैं।